कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या होगा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे, महावीर जप नाम सुनावे, नाश गए रोग हरे सब पीरा, जपत निरन निरंतर जपोगे तभी रोग दूर होगा। इससे रोग दूर नहीं होगा, एक दिन कर लिया पूरा पाठ, एक हफ्ता नहीं कर रहे तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। डेली हनुमान चालीसा करना है। और देखिए यदि आप डेली हनुमान चालीसा करोगे तो देखिए कृपा भगवान की कैसे हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। तो कहा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कवन हो जाए तो सारे काम हो जाते हैं। कहा कैसे? कहा काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देख विचार कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हजारो, बेगी हरो हरो मान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, हो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। और देखिए हनुमान जी से क्या प्रार्थना करना है? ओ प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। और क्या? राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। हनुमान जी आप मुझे भगवान राम का दर्शन करा दीजिए, ये प्रार्थना है। और देखिए क्या है, ये शरीर कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि महाराज ये शरीरम व्याधि मंदिरम, कहा ये शरीर क्या है? रोग का मंदिर है। अब कभी भी कोई तबियत गड़बड़ हो जाए तो कोई ठिकाना तो है नहीं शरीर का, जब तक ठीक है तब तक एकदम भगवान के चरणों में वंदन करना चाहिए। तो कहा हनुमान जी से प्रार्थना क्या? ओ तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे द्वंद दुख दूर हो। कहा ये शरीर निरोगी होना चाहिए, कहा रोग रहेगा तो भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, कि कर पाएंगे मन ही नहीं लगेगा, जब शरीर दर्द कर रहा है तो इधर उधर लगेगा नहीं लगेगा, तो इसीलिए कहा हनुमान जी ये शरीर निरोगी होना चाहिए। कहा क्या? ओ तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। और देखिए क्या, पूजा पाठ में पैसा तो लगता ही है,
धन भी चाहिए है ना, बिना धन के तो कोई कार्य नहीं है। कहा जीवन में धन भी बहुत जरूरी है और ये शरीर निरोगी होना चाहिए और भगवान के चरणों में मन भी लगना चाहिए, तब तो काम होगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। कहा क्या? ओ धन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे, द्वंद दुख दूर हो। और क्या? और देखिए देखिए हनुमान जी कितना सुंदर जो है कहा, ओ कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। कहा ज्यादा कर्ज रहेगा तो फिर नींद नहीं आएगी। क्या? कर्ज ज्यादा रहेगा तो नींद नहीं आएगी। तो प्रार्थना यही करना है हनुमान जी से, क्या? ओ कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, और बीमारी भी नहीं होना चाहिए, मर्ज भी नहीं होना चाहिए शरीर में। मर्ज रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ काम नहीं होगा, ये जीवन फिर अधूरा हो जाएगा। तो कर्ज भी नहीं होना चाहिए और मर्ज भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या आगे देखिए, ओ कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा फर्ज दीजिए, फर्ज निभता रहे, ऐसा फर्ज दीजिए। कहा हनुमान जी यही प्रार्थना है कि यही आप आशीर्वाद दीजिए, फर्ज निभता रहे हमारा, सदा ही हमारा झंडा एकदम लहरता रहे। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रार्थना प्रगमनंद गोरी नमस्कार समर्पयामि नमस्करोमि। चलिए अब भगवान का जो है ना सुंदर स्वागत करते हैं, जल से पुष्प दे दीजिए, हाथ में दीजिए पुष्प। ओम हरि ओम गणा अनंतवा गणपति गुं नवा महे गवि गवि नाम मस्तमस्तदम ज्येष्ठराजन ब्रह्मणा ब्रह्मणास्पदम मा ओम अम्बे अम्बिके मालिके नमः नेति वचना जातुरः त्रिगांगां बिलवाचनिं मां गणपतये नमः गणपतिं मा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम वर्ण पूजनम मा। नीचे पुष्प रख दीजिए, पुष्प दीजिए हाथ में, कलश का ध्यान करिए। और देखिए क्या है, भगवान की पूजा के लिए सुंदर जल चाहिए। क्या चाहिए? सुंदर जल, साफ जल चाहिए, ऐसे जल में तो पूजा हो नहीं सकती है। तो भगवान सूर्य नारायण को से प्रार्थना करेंगे कि आप सुंदर जल प्रदान करिए मंत्रों के द्वारा कि वो जल शुद्ध हो, है ना। तो भगवान वरुण देवता कौन है? जल के स्वामी है और जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। कहा मछली जल की रानी है, आगे उसका जीवन पानी है। कहा मछली जल की रानी है। क्यों रखते हैं लोग जो है ना, देखिए गेट के पास रखते हैं, इसलिए कि उसको रखने से शुभ होता है, लक्ष्मी सूचक है ना। तो कहा जल में जब तक रहेगी तब तक तो जिंदा रहेगी, इसके बाद निकाल दोगे बाहर तो मर जाएगी। इसलिए ये शरीर भी बिना जल के अधूरा है। खाना एक बार नहीं मिलेगा तो चलेगा, मगर जल तो चाहिए चाहिए, जल की कमी नहीं होना चाहिए। तो भगवान वरुण देवता से प्रार्थना, ओम हरि ओम मा तत्वाजा ब्रह्मणा मंदमान सदा सा से यजमानो हव्रभिः अहे नमः।